पाकिस्तान में एक लंबे अरसे के बाद क्रिकेट सीरीज होनी शुरू हुई है। T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद इंग्लैंड ने पाकिस्तान का दौरा किया। 3 टेस्ट मैच की सीरीज में इंग्लैंड ने पाकिस्तान का सुफड़ा साफ कर दिया। इसके बाद अब 26 दिसंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है। एक तरह से एक बार फिर से विदेशी टीमें पाकिस्तान क्रिकेट खेलने जाने लगी हैं, लेकिन क्रिकेट स्टेडियम को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि काफी समय से पाकिस्तान में क्रिकेट ना होने से वहां के दर्शक क्रिकेट को ही भूल गए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेट मैदान में कोई दर्शक ही नहीं पहुंच रहे हैं, और इस तरह से PCB को अपने ही देश पाकिस्तान में बुरी तरह बेइज्जत होना पड़ रहा है। दरअसल हुआ ये कि कराची में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम को उनके ही घरेलू दर्शक उन्हें देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए पूरा स्टेडियम ही खाली पड़ा है। नौबत ये आ गई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ्री में टिकट बांटने पड़ रहे हैं ताकि कम से कम स्टेडियम तो भर ही जाए। वैसे ईमानदारी से कहें तो पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड के सामने ये उनकी बड़ी फजीहत है कि उनके ही देश के लोग उनका खेल नहीं देखना चाहते। वैसे अगर दर्शक पाकिस्तान का मैच नहीं देखना चाहते तो इसके पीछे की वजह पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ अपना सुफड़ा साफ कराना हो सकता है। वहीं दर्शकों के ना पहुंचने को लेकर PCB के नए नवेले अध्यक्ष नजम सेठी ने कहा, यह फ्री टिकट भी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही दिए जाएंगे। वहीं जानकारी के मुताबिक कराची स्टेडियम में बने जावेद मियादात और हनीफ मोहम्मद स्टैंड को VIP का दर्जा दिया गया है। ऐसे में फ्री टिकट व्यवस्था इन स्टैंड के लिए नहीं लागू होगी। उनकी टिकट के लिए ₹500 देने होंगे, बाकी सभी टिकट फ्री रहेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान का इस साल अपने घरेलू मैदानों पर प्रदर्शन काफी बुरा रहा है। साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया था, वहीं हाल ही में इंग्लैंड ने भी 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 3-0 से हराया। पाकिस्तान अपने घटिया प्रदर्शन के चलते ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ से भी बाहर हो गया है। वहीं अब पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेल रहा है। इसमें भी पाकिस्तान पहली पारी के स्कोर के आधार पर पिछड़ गया है। वैसे तो यह मुकाबला ड्रॉ की ओर बढ़ता दिख रहा है, लेकिन अंतिम दिन ही खेल का नतीजा सामने निकल पाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर पाकिस्तान को देखने उसके घरेलू दर्शक ही मैदान में नहीं जा रहे हैं तो इसके पीछे की वजह पाकिस्तान का बुरा प्रदर्शन ही हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके आप भी अपनी राय हमें जरूर दीजिए।